स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने समूचे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि है। मेरा प्रभु पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों की रक्षा का उद्धारक है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पहले ही नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझावों पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जैसे ये आपकी गंगा नदी है और गंगा नदी की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, तो ये सहायक नदियां हैं। तो इन सभी का जो जल है, इन सभी का जल किसमें मिल रहा है? गंगा नदी में मिल रहा है। और गंगा नदी जल को कहाँ पे मिला देती है? समुद्र के अंदर जाके गिरा देती है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि जिस तरीके से सभी धाराएं, तो ये कौन सी है? सभी धारा है अपने जल को किसे मिला देती हैं? सागर के अंदर मिला देती हैं, मिला देती हैं। तो उसी प्रकार जितने भी आपके धर्म हैं, जैसे ये आपका क्या हुआ? ईश्वर हो गया। ये आपकी क्या होगी है? बहुत सारे धर्मों की शाखाएं होगी हैं। जैसे आपने नाम दे दिया है कि कोई, ये आपका हिंदू धर्म है, ये आपका मुस्लिम धर्म है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पारसी है, ये क्रिश्चियन है, तो ये क्या हुई? जैसे कि किसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी नदियां भी, जैसे इन सभी नदियों का जल सागर में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार इन धर्म, ये जितने भी धर्म हैं, ये सभी एक ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने हैं, उन्होंने धर्म की को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हमने यह अनुभव किया कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। न्यूयॉर्क क्रिस्टिन ने स्वामी जी के भाषण के बारे में कहा कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमता पूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं है। कुछ अन्य विचारकों ने भी कहा कि संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म। 1836 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। 1897 में अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल आदि के माध्यम से सक्रिय समाज सेवा के प्रति समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण ना हो जाए। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल मिलाप करने का आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं की। स्वामी जी ने कहा, मैं ऐसे ईश्वर
या धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पहुंच सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी ना दे सके। वेद, कुरान और सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दो। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित महिलाओं के सहयोग से यह कार्य मैं कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है और ना ही बाइबल है। सुभाषचंद बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद और रामकिशन मिशन। अब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ये क्वेश्चन भी आता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, जिसे शिकागो सम्मेलन या विश्व धर्म संसद के नाम से भी जाना जाता है, में हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन भी कहते हैं इसे, और इसे शिकागो सम्मेलन भी कहते हैं, और विश्व धर्म संसद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1893 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के शिकागो में हुआ था। इस सम्मेलन में जाने से पहले महाराजा खेतड़ी के सुझावों पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था, तो महाराजा खेतड़ी के सुझावों पर रखा था। ये बंबई से शिकागो सम्मेलन के लिए पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए थे। ये भी आता है कि कौन से जहाज से गए थे, तो पेनिनसुलर जहाज से ये रवाना हुए थे। विवेकानंद को मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयासों से शिकागो सम्मेलन में प्रवेश मिला था। ठीक है, तो इन्हें किसके प्रयासों से मिला था, मिसेज हॉल के प्रयासों से शिकागो सम्मेलन में प्रवेश मिला था। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्य बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिका के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनकी शिष्य कौन बनी थी और योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था, तो वो है मार्गरेट नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य है, ये डिटेल मैंने आपको पहले बता दी है। 1897 में अमरीकी प्रवास से आने के बाद ये रामकिशन मिशन की स्थापना करते हैं, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद है अपने गुरु रामकिशन परमहंस की शिक्षाओं को प्रचारित करने के लिए रामकिशन मिशन की स्थापना करते हैं, और 1897 में करते हैं अमरीकी प्रवास से वापस आने के बाद, ताकि रामकिशन परमहंस के विचारों को समाज के अंदर प्रचारित किया जा सके। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हैं। ये माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है, तो स्वामी विवेकानंद हैं। सुभाषचंद बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने आध्यात्मिक एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मिकवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए, तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद ने सभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया, उन्होंने देश के युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित करें। वे भारत को एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को भारत से समाप्त करना चाहते थे।
उन्हें भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा तथा देश से अशिक्षा एवं गरीबी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्हें एक बहुत बड़ा सुधारक माना जाता है और जो समाज में एक राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांति को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद।